आज सुनेंगे 20 दिसंबर 1969 की अव्यक्त मुरली, प्लेन याद से प्लान की सफलता। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं। आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने के लिए आए हैं। वायदा करने में तो यह आत्माएं आदि से ही प्रवीण है। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इसी रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने लिए आए हैं। यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो। जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद ली भी और की भी, तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। एवर रेडी तो सभी है ना। वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आवे। सुनाया था ना, पट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले वह दिन याद है ना। लोग सभी क्या कहते थे, सभी के मुख से यही निकलता था कि यह एक ही साँचे से निकली हुई है, सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण जहाँ देखो वही नजर आता है। वह किसका प्रभाव पड़ता था, अव्यक्ति पालना का प्रभाव। व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्ति देखने में आते थे। अब फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी, यह फिर 16 दिन की भट्टी, लेकिन अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं। दुनिया को बदलने के लिए सारे देवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है, तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता? वह बातें तो 5 सुनाई। जब यह 5 बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तब ही विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे, तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। भले प्लान तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान की सफलता में तब आएंगे जब प्लान के साथ अपनी लगन पूरी हो, प्लेन याद हो, कोई भी मिक्सारिटी न हो। प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। प्लेन के पहले चेकिंग करो, प्लेन याद में है।
शुरू शुरू का वायदा क्या है, वह गीत याद है ना? उसको फिर से साकार रूप में लाना है, अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम्ही से ही है, वह साक्षात्कार साकार रूप में सभी को होना चाहिए। अब समझा क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो? भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती है। यह रूह रिहान है, इसमें कोई फेल होते हैं? अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए हो, फेल होते नहीं, अपने को फेल होने नहीं देते, ये भी ठीक है, लेकिन फेल करते हो। अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हो। यह सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो ये सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए। जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए, वैसे ही आपके भगत आप शक्तियों के ऊपर मिट जाए। लेकिन सिर्फ यह बातें मिट जाए, जो फील होता है यह बात मिट जाए। सभी से समझदार तो निकले जो फौरन ही सौदा कर लिया। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी है, समझदार भी है, इसीलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का यह संगठन है, हिम्मतवान भी है, और भले कितना भी हिम्मत रखे लेकिन यह हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। नदियों में तो भले सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना? इसमें तो पास हो ही गई, अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। उस एक बात में ऊपर ही मार्क्स है, कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं। जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? जेवर, कपड़े, बाल बच्चे कुछ भी नहीं देखा। तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है? आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं, सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में।
ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना, कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसलिए सभी को एक बात पास विथ ऑनर्स की पास करनी है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विथ ऑनर्स होंगे। इसीलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीन तामे जाना। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होंगी? महीन बुद्धि वाले कैसे भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा, वह कभी भी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। नरम और गरम दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गरम कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और कौन सी गरमाई है? नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति रूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो न रहीम दिल बन सकेंगे न नम्रचित। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में है सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपना भी। सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू गरम और नरम दोनों में एक समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसीलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता भी। अब समझा किस एक बात में
पास विथ ऑनर होंगे। यह फाइनल पेपर पहले से अनाउंस कर रहे हैं, हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन, ऐलान निकले और एवर रेडी बन, मैदान पर आ पहुंचा। यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं, इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होंगी। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रशिया छोड़ी है। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। यह फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी नहीं आ सकती है। इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सुगति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह पास विथ ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेंगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब सिर्फ यही एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो एक सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, एक सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रहकर दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे, यह सोचा। ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसीलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तब ही एक सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसीलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसीलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना
कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो संसोस फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा, कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पाठ का गायन संसोस फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिनमें यह विशेष गुण होगा। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है, अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा, वह एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन एक सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। वैसे तो एक सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस की बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड, सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले, सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा, सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त है लेकिन बहुत थोड़े, मेजोरिटी नहीं है माइनॉरिटी है। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विथ ऑनर हो गए उन्हीं के ऊपर, जो द्वापर के भगत है वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की बरसा करेंगे। जो अंत तक संसोस फादर करके ही जाएंगे, ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है, सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप, वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं, इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगे, कोई भी बन सकता है। नए नए रतन भी कमाल कर दिखलाएंगे। अभी सर्विस में नवीनता लानी है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो
वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी हैं। सभी के मुख से यह निकले, ये कहाँ से आई है? जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो महसूस करे कि जैसे शुरू में भट्ठी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आए, जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं। कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था, तो फॉलो फादर। उन्होंने वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं, सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलो। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया, अभी इसी रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं। सर्विस के कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं। वह समय बीत चुका, अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे, वह व्यक्त देखने में आए और आप अव्यक्त देखने में आओ। यह है परिवर्तन। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसीलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हठ बहुत है। लेकिन वह हठ अच्छा था ना? यह है ईश्वरीय हठ। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसी कुर्बानी की? आंतरिक आत्म स्नेह से प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना है। यह सर्विस रही हुई है, वारिस कम और प्रजा ज़्यादा बनाई है, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस बनाने हैं, यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा करा सकते हो। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई, वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की और कितने समय में बने, फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं।
किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं? एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं, पूरा पोतामिल अनाउंस होगा, कितने बारी विजयी बने, कितने बारी फेल हुए और विजयी प्राप्त की तो कितने समय में, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये तीन बातें देखी जाती हैं। यहाँ भी हर एक एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन तीन बातों का क्या क्या पोता मिल रहा है, और उनको सामने ला कर के अपने रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो, आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है, और जो 6 घंटा भी नहीं चलते वह आधा घंटा में हो जाते हैं। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। अब रिजल्ट देखेंगे, जैसे शुरू में समाचार आते थे कि कितनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। भट्टी का अर्थ ही है बदलना। अच्छा, ओम शांति।